वेब सीरीज सेक्रेट गेम्स में ट्रांस वुमन कुको की भूमिका निभाने वाली कुब्रा सेठ इन दिनों काफी सुर्खियों में है। नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई वेब सीरीज में कुब्रा एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ दिखाई दी हैं। हाल ही में उन्होंने अपने इंटीमेट सीन की शूटिंग का अनुभव शेयर किया। उन्होंने बताया कि नवाजुद्दीन के साथ इंटीमेट सीन शूट करने के बाद वे जमीन पर गिरकर रोने लगी थी। आपको बता दें कि एक न्यूज़ पोर्टल को दिए इंटरव्यू में कुब्रा सेठ ने बताया था कि इंटीमेट सीन को 7 बार शूट किया गया है, क्योंकि डायरेक्टर अनुराग कश्यप इसे 7 अलग अलग एंगल से शूट करना चाहते थे। अनुराग कश्यप ने इन सीन्स को सब कुछ सेक दिया ताकि इस सीन को अच्छे से शूट कर सके। कुब्रा ने आगे बताया कि जब वह 7वीं बार सीन शूट कर रही थी, वह टूट चुकी थी। उस समय वह बहुत भावुक हो गई थी। तब उनके को स्टार नवाजुद्दीन सिद्दीकी उनके पास आए और धन्यवाद कहा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि वह उसको बाहर मिलते हैं। तब उन्हें पता चला कि सीन खत्म हो चुका है। कुब्रा ने कहा कि इसके बाद मैं रोने लगी और ज़मीन पर गिर पड़ी। मैं रोती रही और बस रोती रही। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि मुझे लगता है आपको बाहर जाना चाहिए, क्योंकि मेरा सीन अभी बचा है। मैंने कहा कि उनकी एंट्री बाकी थी। आपको बता दें कि कुब्रा सेठ बॉलीवुड की कई मशहूर फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। उन्होंने सलमान खान की फिल्म रेडी से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इन दिनों वेब सीरीज सेक्रेट गेम को लेकर कुब्रा की सफलता बुलंदियों पर है। तो ये थी जानी मानी एक्ट्रेस कुब्रा सेठ की इंटीमेट सीन की कहानी।